हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रेहान और आप देख रहे हैं टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ मोटरोला के नए फ़ोन मोटरोला G7 के बारे में, जो कि मोटरोला ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है। तो जानते हैं इसके फीचर्स और देखते हैं कैसा है ये फ़ोन। सो अगर बात करें इस फोन की डिस्प्ले की, तो इसमें हमें देखने को मिलती है 6.26 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले, जो कि वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आती है। 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ ये फ़ोन आता है, जिसमें 3000mAh की बैटरी दी गई है। साथ ही प्रोसेसर की बात करें तो स्नैपड्रैगन 632 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, 12+5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा रियर साइड में, और 8 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा दिया गया है। जो एक इसका प्लस पॉइंट है वो है इसमें टाइप सी का सपोर्ट देखने को मिलता है और 15 वाट का चार्जर इसमें हमें देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस फोन के प्राइस की। तो इस फोन का प्राइस है 16,999, स्नैपड्रैगन 632 और प्राइस है इसका 16,999। तो इसके हिसाब से ये प्राइस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में हमें स्नैपड्रैगन 660 तक देखने को मिलता है और मोटरोला हमें प्रोवाइड कर रहा है 632 का प्रोसेसर, जबकि मोटरोला का खुद का एक फोन मोटरोला वन पावर स्नैपड्रैगन 636 के साथ आता है और उसकी प्राइस है सिर्फ 13,999 रुपीज़। तो जब मोटरोला का अपना एक फ़ोन वन पावर स्नैपड्रैगन 636 14,000 में आ रहा है, तो कोई क्यों 17,000 के प्राइस में स्नैपड्रैगन 632 को लेगा। मोटरोला को ये चीज़ सोचना चाहिए कि दूसरी तरफ कंपटीशन इतना ज़्यादा है। नोकिया अपने नए फ़ोन से लॉन्च कर रहा है, नोकिया का जो 6.1 प्लस है वो भी इसी रेंज में आता है, और रियलमी के अपने जो फ़ोन है रियलमी U1, रियलमी 3 और अब जो रियलमी 3 प्रो आने वाला है, इस तरह के फ़ोन्स। तो इस कंपटीशन में अगर मोटरोला इस तरह के फ़ोन्स को लॉन्च करता है वो भी इस प्राइस रेंज के साथ, तो ये तो बिल्कुल समझ से परे है कि मोटरोला चाहता क्या है। एक तो इतना लेट फ़ोन्स को लॉन्च करते हैं और ऊपर से उसकी प्राइस भी ऐसी रखते हैं जो बिल्कुल समझ से परे होती है। तो देखते हैं कि कैसा इसका फ़ोन का रिस्पॉन्स रहता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और आगे आने वाले टाइम में आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।